कोरोना वायरस की इस तबाही के मंजर में अब मध्य प्रदेश कोरोना वायरस से हर मोर्चे पर डटकर मुकाबला कर रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज की टीम भी बैठकें ले रही है, मध्य प्रदेश का जायजा ले रही है। ऐसे में सागर में क्राइसिस मैनेजमेंट और जिला प्रशासन की इस बैठक में नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बैठक ली और कहा कि कोरोना वायरस से जंग जारी है, सागर में कुछ रियायतें मिलेंगी इसके भी उन्होंने संकेत दिए। लेकिन कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे गोविंद सिंह राजपूत उस समय भी प्रशासन के साथ बैठक लिया करते थे जब कांग्रेस की सरकार थी, और आज जब भाजपा की सरकार है तो बड़े बड़े दिग्गज नेता घरों में हैं, और शिवराज सिंह सरकार में गोविंद सिंह राजपूत का बैठक लेने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। हालांकि भाजपा में सरकार की किस्मत सिंधिया गुट ने ही लिखी है, इस वजह से उनका अधिकार है कि वो मंत्री बने, सरकार चलाए। लेकिन आज सागर की जनता जब सागर के कद्दावर चेहरे देखती है तो लगता है कि सियासत में राजा वही है जो किस्मत के साथ वक्त के अंदाज के अनुसार चलता है। कोरोना वायरस की इस बैठक में राजपूत जी के बयानों पर यकीनी करें तो 3 मई के बाद सागर में शराब की दुकान, पान भंडार, इलेक्ट्रिक दुकानें, मजदूरों को काम के अवसर के साथ सड़क पर हल्की सी चहल पहल देखी जा सकती है। 3 मुद्दे थे, कोरोना महामारी में लॉकडाउन में क्या सुविधाएं मिलना चाहिए, केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है उसको स्टेट सरकार और जिलों में कैसे फॉलो होना चाहिए, ये वो। दूसरा, इसके साथ साथ ही मुख्य रूप से खाद्यान्न वितरण पर्याप्त मात्रा में हो रहा है कि नहीं, और तीसरा गेहूं उपार्जन, क्योंकि किसानों के लिए गेहूं का खरीद चल रही है। तीनों बिंदुओं पर चर्चा हुई और ये निश्चित किया गया कि अभी महामारी और कोरोना की बीमारी जो है, चूँकि लॉकडाउन बढ़ाया गया, इसे हम भी इसमें बढ़ाने में सहयोग करें। लेकिन जो आवश्यक चीज़ें हैं, चाहे किराने की दुकान हो, चाहे किसानों के सामान हो, चाहे प्लम्बर के सामान हो, चाहे छोटी छोटी बातें हो, शहर नगर विधायक शैलेंद्र जैन जी ने उठाया कि बीड़ी श्रमिक हमारे यहाँ बहुत हैं, तो बीड़ी श्रमिकों के लिए भी हमने कहा कि भाई उनके लिए बीड़ी के कारखाने खुले सट्टेदारों के, ताकि वो सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए अपना काम शुरू करें। इन सब मुद्दों पर चर्चा हुई। खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, बीपीएल कार्डधारियों को भी मिलेगा, और बीपीएल में नहीं है उनको भी व्यवस्था हम लोग करवा रहे हैं। चावल भी आ रहा है, चावल चूंकि बालाघाट और जबलपुर अन्य जिलों से आता है, चावल की पर्याप्त मात्रा आ चुकी है। जो नहीं आया तो हम और चावल का ऑर्डर दे रहे हैं, और गेहूं के उपार्जन जो हो रहा है उसमें कोशिश हो रही है कि अभी शिकायत आ रही थी कि SMS छोटे किसानों को आ रहे हैं, तो हम लोगों ने तय किया था भोपाल में बैठकर कि पहले छोटे किसान, बाद में मध्यम किसान, इसके बड़े किसानों को। लेकिन अब आज तय किया है कि 75% SMS हम छोटे किसानों को, मध्यम वर्ग को देंगे, और 25% हम बड़े किसानों को भी देंगे, ताकि सबकी तुलाई प्रॉपर प्रॉपर होती रहे। और परिवहन की व्यवस्था भी टाइट की है कि परिवहन उठता रहे, ताकि किसानों खाते पैसा जाता है। दिनेश सर, जो किशनगंज एरिया है हमारा, वहाँ तो ढील का सवाल ही पैदा नहीं होता। 3 जोन बने हैं, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। हमारा शहर ऑरेंज में आ गया है, पहले हम ग्रीन में थे, इसलिए थोड़ी सी असुविधा हो रही है। लेकिन बाहर के जो मजदूर आ रहे हैं उनको प्रॉपर चेक किया जा रहा है। हमारे बहुत सारे छात्र, हमारे बहुत सारे श्रमिक छिके हुए हैं, अब कोई गुजरात में है, कोई इंदौर में है, कोई महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, तो सिर्फ महाराष्ट्र से नहीं आ सकते, अभी रेड जोन में है, इंदौर से नहीं आ सकते, भोपाल से नहीं आ सकते। जहाँ जहाँ हम रेड जोन में वहाँ हमारी मजदूरी है, बाकी बहुत सारे छात्रों को, बहुत सारे मजदूरों को हम बुला रहे हैं, और गाड़ी की व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है जो जहाँ फंसे हुए हैं जितना संभव हो उनको हम बुला सकते हैं। जो चीज़ें आवश्यक हैं, मैंने कहा ना, जो चीज़ें मकान बनने के लिए आवश्यक हैं, आज विवाह उठी के सीमेंट की दुकान है, प्लम्बर का सामान है, उससे मकान श्रमिक के लिए काम मिलता है, बीड़ी मजदूरों की व्यवस्था है, या जो चीज़ बहुत आवश्यक है उनके लिए भी छूट मिली है। पान की दुकान की आप पढ़े लिए अखबार में दिया हुआ है, अन्य चीज़ों की छूट मिली है। लेकिन जहाँ जहाँ अभी भीड़ ज़्यादा इकट्ठी होती वहाँ अभी व्यवस्था नहीं, ताकि आबकारी की दुकान है, पान गुटखा की दुकान खुल सके।
अंदर खाने से जो खबर है कि मध्य प्रदेश सरकार अपना राजस्व बढ़ाने के लिए शराब पर निर्भर है, ऐसे में शराब दुकानों को हरी झंडी मिल सकती है। लेकिन इस बैठक के बाद यह कहा जा सकता है कि वक्त बड़ा ताकतवर है। जो भाजपा सरकार पार्टी और पावर की स्क्रिप्ट लिखा करते थे वो घरों में है, और डंका आज उन्हीं का बज रहा है जिनका बीते दिनों डंका बजता था। सियासत हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। नफीस खान, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स सन 2002 से आपकी सेवा में। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 9827361116।